Venus, Coco, everyone. That's really cool. Okay, guys. So, पहले शिकलेसेस सीधे बैठो. पहले गाइस मैं बता दूं आपको मैं कुछ जो है सेल्फ डिफेंस की टेक्निक गर्ल्स के लिए बताने वाला हूं उसमें जो है गर्ल्स को थोड़ा सा बच्चों को भी आप अलर्ट कर सकते हो बाहर आप जा रहे हो हालांकि इतना जल्दी कोई उठा के गाड़ी में आपको डालेगा नहीं ना पकड़ेगा इतनी हिम्मत यूजुअली पब्लिक प्लेस में होती नहीं जब भी रात में गर्ल्स जाएँ बेटियाँ जाएँ मेक श्योर कि सुनसान रास्तों से ना जाएँ जहाँ पर भीड़ भाड़ हो लाइट हो ऐसी जगहों से निकलें जैसे बच्ची ट्यूशन जाती हैं आजकल या ऑफिस जाती हैं घर आ रही होती हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी बातों को सेफ्टी का किसी भी गाड़ी के नज़दीक से ना निकले हो सकता है वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट बैठे हों गाड़ी खोलें आपको खींच लें अपने अंदर और जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ हमेशा तीन बातें ध्यान रखो सबसे पहले आप बंदे का फेस स्ट्रक्चर याद रखो उसकी आईब्रोज कैसी थी नाक कैसी थी फेस स्ट्रक्चर कैसा था बॉडी बिल्ड कैसी थी आवाज़ कैसी थी जब वो बातें कर रहे हैं नाम क्या थे तो ये रिकॉल करती हैं चीज़ें बाद में इन्वेस्टिगेट करके उनको पकड़ने में ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पे उनको पकड़ भी लिया गया है तो कोशिश करें आप ऐसी नौबत आए ना पहले से आप थोड़े से अलर्ट रहें कि कैसे क्या करना है जब भी रात में आप टैक्सी हायर करें दिन में भी हायर करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि टैक्सी का जो नंबर है जो डिटेल्स हैं अपने परिवारजनों को या क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को टेक्स्ट कर दें मैसेज कर दें ताकि उनको पता रहे आप किस गाड़ी में आ रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त स्ट्रेंजर्स को कभी लिफ्ट ना दें हो सकता है वो अपराधी हों और आपके साथ कुछ गलत हरकत हो जाए वहीं दूसरी ओर स्ट्रेंजर्स के साथ गाड़ी में खुद भी ना बैठें लिफ्ट कभी किसी से ना लें ना किसी को दें लिफ्ट आपको लगता है गाड़ी चलाते हो आपको कोई पीछा कर रहा है स्ट्रेंजर आपको सस्पेक्टेड लगता है तो तुरंत अपने क्लोज फ्रेंड्स को फैमिली को बताएं फिर पुलिस को रिपोर्ट करें कोई खूबसूरत लड़की भी आके बोलती कि मुझे आगे छोड़ दो आगे जाना हो सकता है आपको फंसाने के लिए कोई ट्रैप हो किसी की हेल्प करना अच्छी बात है पर सोच समझ के हेल्प करें ऐसी का बी अलर्ट अभी सपोज आके कोई आपका गला पकड़ लेता है सिंपल ऐसे गला पकड़ दो दोनों हाथों से जैसे कोई गला पकड़ता है आपको यूँ नहीं छुड़ाना जान नहीं लगानी तो कोशिश कर रही है ऐसे का दबा दे टाइट दबा दे दबा दबा डर मत दबा दे हाथ को ये घुमाना है ये घुमाने से क्या होगा हाथ हमेशा ऐसे घुमाने से जल्दी छूटेगा ऐसे का और पकड़ो टाइट पकड़ ले ये कर उसके बाद झुक के हाथ को ये नीचे से निकालना है ये हाथ अपने आप छूट जाएगा उसका तो दो चीज़ आपको मैंने सिखाई है शिका फर्स्ट वाला कर मैं करूँगा अब आपको करना है छोड़ो पहले घुमाने वाला सच में बताऊँ तो सच में हाँ कलाई के हाँ सीरियसली कह रहा हूँ गाइस बिलीव मी ये मैं सोच रहा हूँ डेमो कर रहे हैं शिका ने कर दिया वाकई इसने कर दिया क्योंकि ऐसा करने से टर्न जल्दी हो जाता है ऐसे ओके अभी नेक्स्ट में मैंने जो बताया शिका वो कौन सा था जोर से मार रहा है यूँ नहीं डांस नहीं करना यूँ पूरा जोर से देखू आवाज़ के साथ हाँ ये फिर से देख दोनों हाथों को ला यू और अपने क्लोज से ले जाइए ये देख रहे हो आप लेकिन अब छुड़ा तो दिया छुड़ाने के तुरंत बाद करना क्या है यशिका मैं आपको कुछ वीक पॉइंट्स बता रहा हूँ देखो मैं बाबू अपनी बेटी को फिर ही बता रहा हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है वीक पॉइंट्स यशिका प्लीज़ गाइज इसको फालतू में किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट मत करना रिस्क हो सकता है मुझे पता है बहनें भाइयों को कूटने वाली हैं तो ऐसा मत करना भाइयों के बेचारों को मार मत देना आप ओके सबसे पहले ये जो पोर्शन है ये वाला ये काफ़ी सेंसिटिव है ये बहुत सेंसिटिव है थ्रोट ये हाई लेवल की हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं मैं पर बच्चे को बता रहा हूँ अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए ऐसी का डरना नहीं है कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती करे ना लाइफ में या अभी भी छोटे में कभी भी ये मत सोचना बड़ा को मार देना अच्छे से ठीक है करना क्या है ये हाथ ऐसे बनाओ ये पकड़ के देख हाथ नीचे कर ना यूँ दबाना नहीं है झटके ये लाके वापस लेके आना है करेगा मेरे मत मार दियो बस कर ये चीज़ लगनी चाहिए यहाँ पे यूँ पास आके दिखा रहे हैं जूम कर रहा है ये देख ये लाके ये आके यूँ थ्रोट पे लग के वापस आ जानी चाहिए झटके से कर हाँ मैं बाजारों के भाई खेल खेल में कई बार लग भी जाती है ठीक है नंबर एक नंबर टू ऐशिका जैसे आप पकड़ लो मेरे हाँ अब छोरे बहुत होते हैं गाइस आपने देखा छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ गलत काम करते हैं ऐसे सालों को जिंदा काट दूँ मैं गोली एक ना गिनूँ इतनी भर दूँ पीतल भर दूँ उनके अंदर ओके यशी कोई ऐसे पास आके पकड़ता है वो क्लोज आके पकड़ता है ये हमारा सेंसिटिव पार्ट होता है यशी का ये देख बेल्ट से नीचे ग्रोइन वाला जो पार्ट है ना ये बड़ा सेंसिटिव होता है ये लेके भम यहाँ मार देनी है ठीक है चल करके देखा बस छोरी समझ के ना लड़ियो तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कर पेच पलट कर देगी तो गाइस समझ आया आपको
groin wala jo part hai kafi sensitive hai yahan pe attack kar sakte ho aap number 3 aur main kya batau yashika haath ki main technique batata hu yashika jaise aapne mera haath pakad liya haath pakdo ab jaise haath pakda hai na ye to haath ko yahi chhodna chhodo mera haath chhodo nahi ab jaise isne aise haath pakda hua hai na yun ye dekho kuch nahi karna aapko haath karoge dikkat aayegi ye jo finger hai iski sabse choti wali ye dekho choti wali finger pakad ke mod do apne aap chhod dega kuch nahi karna na लो पकड़ो छुड़ाओ भाई मैं कह रहा हूँ आपके घर में जो मर्जी बॉडी बिल्डर हो ना 10 साल की बच्ची से करवा लेना छोड़ देगा पक्का वो पूरी जान लगा के मैट दी उंगली को ठीक है ना समझ गई ना बात यस एक और टेक्निक पकड़ो अब ये जो है वो सबसे इजी थी जो पहली मैंने बताई उसके बाद भी मैं बता दूँ ये जैसे यहाँ पे हाथ आया इसका रिस्ट के नीचे ये यूँ पकड़ा और ये हाथ ऐसे छुड़ा लिया इसी का छुड़ा ना 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 ऐसे नहीं छूटेगा करो ना 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 ऐसे भी ऐसे मैं यूँ पकड़ दूँगा ऐसे भी देखो फिर से पकड़ना रिस्ट पकड़ो मेरी ये रिस्ट पकड़ी है ये ऐसे पकड़ी है ना इसने इधर और टेक्निक क्या है देखो ये रिस्ट जो पकड़ी है मेन मोटिव क्या है यूँ करूँगा तो हाथ घुमा लेगी यूँ करूँगा तो क्या होगा यूँ घुमा लेगी आपको क्या करना है इसके और इसके जो बीच का जो हिस्सा है इन दोनों जॉइंट्स के बीच हाथ को यूँ लाना है और अपने हाथ से यूँ पकड़ के यूँ निकाल लेना ही झटके से एकदम फुर्ती होनी चाहिए लेकिन स्टॉप ओके गाइस अगर कोई आके पीछे से आपको पकड़ ले यूँ सपोज मैंने ऐशिका को यूँ पीछे से पकड़ लिया तो ऐशिका कैसे छुड़ाओगे आप हाँ पहले आप पैर पे जो है ना आप ये अपने हील से हिट करोगे बिना डरे बिना शर्माए जोर जोर से मारे ऐशिका कोई होगा ऐसे ये ओके वेरी गुड अभी ऐशिका को मैंने पहले ही बता रखा है इसने क्या किया नीचे बैठ गई है यशिका जब ऐसे ना हो तो शिन पे मारो ये जो शिन पोर्शन है गाइस शिन पे मारो अगर खड़े में हो रहे तो करो अरे भाई तो बहुत तेज लगती है शिन में बहुत जोर से लगती है आपने देखा होगा कई बार चलते हुए कुछ लग जाए बहुत जोर से लगता है नंबर 3 यशिका ऐसे पकड़ यूं करके पीछे ग्रोइन पे मारना है वहीं पे ठीक है झटके से जोर से चलो ठीक है गाइस तो ये हो गया मैं भी ऐशिका की हाइट पे आ गया हूँ देखो कई बार क्या होता है कि हाथ ऐसे छोड़ नहीं पाता तो आपको करना क्या है यूँ करोगे यूँ यूँ स्पेस बनाओगे यूँ ये लेकिन सामने वाला बंदा जो है ना आपको छोड़ेगा नहीं थोड़ा ऐसे इसको घुमाते रहो उसकी एनर्जी थोड़ी वेस्ट करते रहो आगे जाओ पीछे जाओ जब आप पीछे जाओगे तो क्या करेगा आगे आएगा जब आप आगे जाओगे तो क्या करेगा पीछे लेके जाएगा जब वो पीछे लेके जाएगा एकदम ज़ोर से गिर जाओ यार देखी जाएगी अगर आपको लगता है कि छोड़ ही नहीं पा रहे तो नेक्स्ट ऐशिका हाथ को ये निकालना है और जाके सीधा गर्दन पकड़ देनी है ये मैंने टाइट पकड़ा हाथ को निकालो गर्दन पकड़ ये तो इस तरीके से जो है पकड़ के झटके से खींचते हैं पर ऋषि का स्टॉप करें ऋषि कर ठीक है वेरी गुड तो गर्दन पकड़ के झटके से जान लगानी है समझ आ गया और एक और गाइस अब कोई गर्ल्स अगर पीछे से आपको भी पकड़ ले आपको लगता है कि ना तो आप किक मार पा रहे हो ना हाथ निकाल पा रहे हो एक और तरीका बता दूंगा आपको ऋषिका हवा में लटक जाना दोनों पैर ऊपर करके अपने आप नीचे हो जाओगे फिर आप ये मैंने पकड़ो ऊपर जाके जंप लेके नीचे कूद जाओ ये रहो चल मेरे साथ ये मुझे ऋषिका लेके जा रही है तो मैं क्या करूँगा नीचे लेट जाऊँगा एक हाथ से मैंने पकड़ लिए इसके पैर थोड़ा नीचे से दिखाना है ये मैंने एक हाथ से पकड़ लिए इसके दोनों पैर यूँ और दोनों पैर खोल उधर खोल एक पैर को खोलना परी हटियो तू भी सीख रही है सेल्फ डिफेंस तू तो वैसे ही फोड़ देगी दो चारों को ये गाइस बच्चे को जब वो कोई जबरदस्ती पकड़े खींच के ले जाए तो बच्चा नीचे गिर जाए एक पैर उसको पकड़ लो बंदे का जिसके साथ आप जा रहे हो यूँ और दूसरे से बना लो क्रॉस ये देखो इस पैर देखा मेरे पीछे लाके ये बना लो क्रॉस ये देखो ये पीछे का पैर दिखाया ये क्रॉस ऐसे का आप लेके जाए मेरे को उठा के कैसे लेके जाएगी उल्टा खुद ही फंस गई अभी ब्रेक डांस करती रहेगी सामने से दिखाया ये देखो अब ये खुद ही घूमती रहेगी ये सोचेगा यार पागल हो गई है मैं छोड़ ही दूँ इसको समझ रहे हो आप तो गैस ये कुछ सेल्फ डिफेंस की बेसिक टेक्निक्स हैं मैं आपको बता दूँ और सपोज कोई ऊपर आपके आके बैठ जाए ऐशिका ऊपर आके बैठो सपोज ये ऊपर आके बैठ गया मेरे आ जा ऐसे नहीं ऐसे बैठना अरे हट ऐसे ये ठीक है ये गला दबा रही है मेरा ऐशिका ये मेरे हाथ तो फ्री है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज़ करना होता है गाइज़
पीछे का दबा। अभी क्या करना है, ये नोज बड़ी सेंसिटिव है, आपका पहुंचा सीधा भूम दो नाक पे ही, ठीक है? अगर ये नहीं हुआ, बैठ ऋषिका बैठ। तो अभी क्या करना है, इसको अभी आप ऐसे ही रहोगे ना ऋषिका तो गिर सकती है, थोड़ा अलर्ट रही हो। ये पकड़ा अपनी बॉडी, देखो लोअर बॉडी को, पीछे जब इसने हाथ तीर पकड़ रखे हैं दोनों, ऋषिका हाथ पकड़ ले। अभी कोई जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ ऊपर यूँ लेट के, ये इसको पीछे उल्टा यूँ धकेल देना पीछे की तरफ। मैंने गिराया नहीं ताकि गिर जाएगी, और एक्चुअल में जोर से करोगे तो पीछे जा सकता है उल्टा, या फिर सर भी उसके नाक पे फेस पे मार सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ओके गाइस, तो मेन है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। तो गर्ल्स को जो है मोटिवेट करें, उनको उनका जो मोरल है, मोरल इतना हाई करें, इतना अप करें कि उनको ये ना लगे कभी भी सोचने में कि मैं हम बॉयज से कम हैं, ठीक है ना? ये मत बोला करो बेटा वो तो वो लड़का है, वो तो ऐसा करेगा। ऐसे मैंने अक्सर गाइस एक कुछ केसेस देखे हैं, बच्चों की ना पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाती है ऐसे हरों की वजह से। आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, आई नो किड्स आर वॉचिंग माई चैनल, बट आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड सिंस आई एम हियरिंग लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट लिटिल चिल्ड्रन, दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन रेप्ड। मन तो करता है ऐसे को निकाल निकाल के ना भाई साहब, इनका मैं ऐसा भूत बनाऊँ कि इनकी खानदान, इनकी पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन याद रखें ऐसे लोगों को। ओके एनीवेज, सॉरी गाइज। ओके तो बेटियों की पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाती है ऐसे लोगों की वजह से यार। माँ बाप बेचारे अपनी बेटी को स्कूल कॉलेज भेजना बंद कर देते हैं क्योंकि एक उसके पीछे भाग रहा होता है बाइक लेके, स्कूटर लेके, पैदल गाड़ी लेके उसका पीछा कर रहा होता है। बेटी घर में डर के मारे बताती नहीं है कि बताऊंगी तो कहीं माँ बाप डांटे ना, जो बताती है तो उसको डर होता है कि मेरे स्कूल कॉलेज ना छोड़वा दें, पीछे पड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं। यार शर्म करो, यार शर्म करो। और आम पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ गाइज, आप ऐसी हरकत देखें ना तो प्लीज़ चुप्पी ना लगाएं। अगर आज आपने चुप्पी लगाई तो ये ना बोलें कि अगला नंबर आपकी फैमिली की किसी बेटी का, बहन का हो सकता है या किसी महिला का हो सकता है। तो आपको इनिशिएटिव लेना है, गलत काम जहाँ पे भी हो रहा हो सीधा खड़े हो जाओ चौड़ में और होने मत दो उसको। मैंने ऐसे ऐसे नपुंसक देखे हैं रोड पे, महिला के साथ बदतमीजी हो रही होती है और तमाशा देख रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। शर्म करो यार, कहाँ हैं वो बेशर्म लोग सारे? ज़रा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डिसलाइक करके भागोगे मुझे पता है, आई डोंट केयर। ओके एक बार की बात बताऊँ, जैसे मैं पहले वीडियो में बताऊँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ को मार रहा है यार, रोड पे मार रहा है, और पब्लिक आती तो कहते हैं हस्बैंड वाइफ का मैटर है, आप बीच में मत पड़ो। यार एक बात हो, हस्बैंड वाइफ का मैटर होगा घर में, पब्लिक प्लेस में आ गए तो भाई साहब मैटर पब्लिक है, समझ में आ गई ना बात? रैप्टा मारो उसके ऐसे घुमा घुमा के, अगली बार से बीवी को घर में भी टच ना करे वो। और ये लोग जो दारू वारू पी के बीवियों को मारते हैं, घर की महिलाओं पे दादागिरी दिखाते हैं, ऐसे ऐसों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ शर्म करो, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। तुम महिलाओं पे अपनी वो मर्दानगी दिखा रहे हो, उनके मारपीट के गाली गलौज करके पैर की जूती समझाओ तुमने लेडीज़ को, महिलाओं को। अबे अगर तू देख रहा है तो उससे ही बात कर रहा हूँ मैं, जो भी देख रहा है इस टाइप का बंदा, शर्म नहीं आती क्या? एक लेडी जो है वो एक दिन बेचारी, मुझे किसी ने बताया कि इसका हस्बैंड जो है ना सर ऐसे ऐसे इसको बेचारी को लत काटता है, मारता है, पीटता है, जाके देखो। मैंने बोला यार मैं जाऊँगा, टाइम ख़राब है, दिक्कत हो जाएगी, हर कोई ऐसे ही सोचता है। तो उसको जो है ना मैंने बाहर बुलाया, काउंसलिंग करी पहले उस बंदे की, वो समझा नहीं। फिर आप जानते हो अगला इलाज क्या होता है अपने पास, उसका ऐसा इलाज कर दिया वो बीवी के चरण धो धो के पीता तो आप समझ जाओ क्या क्या करा होगा उसका। तो भाई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ब्लड रिलेशन हो किसी का, वो भी किसी की बहन हो सकती है, हो सकता है किसी का भाई ना हो, तो आप इनिशिएटिव लो और जो है ऐसे केसेस में बहनों की बेचारियों की जाके हेल्प करो और खुद इंटरफेरेंस करो। ज़्यादा दिक्कत करे तो जो है ठोक दो उनके ऊपर एक पुलिस कंप्लेन घरेलू उत्पीड़न के उसमें कि इस टाइप से परेशान कर रहा है। और गाइज बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे महिलाओं ने महिला होने का गलत फ़ायदा उठाया है। मैं ऐसे भी कुछ केसेस जानता हूँ कि लड़का बेचारा बहुत सही था, वो पेरेंट्स से कहने में या किसी पता नहीं जाति पर्सनली दुश्मनी के कारण उसने जो है इस टाइप की बातें कर दी हैं, एलिगेशंस लगा दी। तो गाइज ऐसा भी ना करें प्लीज़, ताली एक हाथ से नहीं बचती, पर ऐसी चीज़ें करना भी सही नहीं है। दहेज के लोभियों, दहेज एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में इस टाइप की हरकतें करने का, मारपीट करने का, महिलाओं के साथ अत्याचार करने का। यार दहेज कहाँ ले जाओगे यार, तुम सिर पे धर के ऊपर ले जाओगे क्या, आसमान में भगवान के पास? हाँ भाई दहेज को कहाँ ले जाओगे यार तुम? साले तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, तुम्हें इस लायक बना देगी तुम
अपनी ज़िंदगी जियो, क्या तुम बीवी के पैसों पे, बीवी की गाड़ी पे, बीवी के घर पे और बीवी के दहेज पे ज़िंदगी बिता दोगे क्या? हाँ भाई, मुझे छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो फलानी गाड़ी चाहिए, तब मैं शादी करूँगा। बाप बेचारा कर्ज़े में डूब जाता है, एक बाप जो है कर्ज़ा ले लेता है दुनिया भर का, वो उतार भी नहीं पाता, मजबूरी में कई बार सुसाइड कर लेता है। अगर उसकी मनमानी गाड़ी नहीं दी तो बीवी को मारता पीटता है, डिमांड करता है। तो यार क्या करते हो यार, अगर किसी ने दहेज पहले ले भी लिया है तो गाइज मैं आपको आपको गाली नहीं दे रहा ना, आपको गलत कह रहा। कई बार माहौल के चलते हुए, पेरेंट्स के रीति रिवाज के चलते हो सकता है आपने कर दिया हो, पर मुझे पक्का विश्वास है आप इतने अच्छे हो कि आगे से आने वाली जनरेशन को आप अपने बच्चों को ना तो दहेज लोगे, ना दोगे, ना किसी को लेने देने दोगे। आप देखो किसी को रोक तो सकते नहीं यार, मैं भी शादियों में जाता हूँ, लोग देते हैं करते हैं, मैं बोल ही सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को जिस दिन सुधार लूँगा, मैं अपने आप के लिए कर लूँगा, उस दिन समझ लूँगा मैंने सबके लिए कर लिया। यू कॉन्ट चेंज द वर्ल्ड। एक लड़की जो है ना कि स्ट्रेस से गुजर रही होती है दहेज के लोभियों की वजह से, यह इस प्रथा के चलते, आपको मैं क्या बताऊँ गाइज, मैंने ऐसा देखा, वर्किंग वुमेन, वर्किंग लेडी होती है, लड़की होती है बेचारी, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है क्योंकि पैसे नहीं होते, पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए वो बेचारी टाइम से शादी नहीं कर पाती। वो ऑफिस जाती है, पैसे जोड़ती है, कमाती है, घर में अर्निंग हैंड नहीं होता, फिर भी वो जो है पैसे जोड़ती कि मैं शादी के लिए मेरे पिताजी पे बोझ ना आए। ऐसी मैंने बच्चियाँ देखी हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल दीज गर्ल्स। लेकिन वो अगर दहेज प्रथा ही देश से ख़त्म हो जाए, हर एक लड़का ये ठान ले कि मैं शादी करूँगा तो बिना दहेज के, बिना एक चवन्नी लिए, एक पैसा लिए बिना शादी करूँगा, और हमेशा जिससे शादी करूँगा उसे खुश रखूँगा, अगर ऐसा सोच ले तो बेचारी आधी आधे बेटी के बापों की और आधी बेटियों की जो है टेंशन ख़त्म हो जाए। किसी के पास तो इतना है कि भाई लुटा रहा है, किसी के पास इतना है कि बेचारी जो है एक जून की रोटी भी नहीं खा पाते हैं। तो भगवान ही बड़ा अन्याय यार, किसी को तो इतना दे देता है, किसी को जो है इतना करता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो प्लीज़ हेल्प करें, वो कहावत है ना यार, करने दान महादान है ना, तो बस रिस्पेक्ट करें यार गर्ल्स की। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं कोई बाबा तो नहीं जो भाषण दूंगा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ, खुद की लाइफ, खुद के तजुर्बे के हिसाब से बातें शेयर करता हूँ। अच्छी लगे तो अपनी राय दे देना, बुरी लगे तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो दहेज के टॉपिक में बात कर रहे थे गाइज, मैं आपको बता दूँ, देखो आपका भाई, मैं भी यहीं रहने वाला हूँ, आप भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने वाले हो। सो मैं धीरे धीरे, सुई चलती है पर बहुत जल्दी बीत जाता है, समय रहा ठीक ठाक रहे तो जो है आपको मैं दिखा दूंगा कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। बच्चे जब मेरे अभी बड़े हो रहे हैं, जब ये उस लेवल में पहुँचेंगे, उस एज में पहुँचेंगे, आपको मैं खुद एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। अपने बेटे अभी तो बहुत छोटे हैं, इस टॉपिक पर मुझे बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि मुद्दा ऐसा चल रहा है, तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी ये दृढ़ निश्चय करें आज ही से, चाहे आपके पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो, चाहे ना हो, चाहे आप जो मर्जी फलने खाओ, ये नहीं कि आपका बच्चा कुछ बन गया तो आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, दहेज मांगते हैं, या आपके पास बहुत पैसा है तो आप उससे ज़्यादा पैसा मांगते हो, दहेज मांगते हो, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ गाइस, मैं खुद जो है ना गुजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गुजरों में करोड़ों में अरबों में दहेज लोग देते हैं अपनी खुशी से, बहुत अंधी प्रॉपर्टी है ज़्यादातर लोगों के पास, लेकिन अपनी सिंपल थ्योरी है भाई, दाल रोटी खाओ और अच्छे काम करो और ज़्यादा हवाबाजी मत करो। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बेटा है मेरा, आप जानते ही हो उसे, यश है ना, ये मेरे साथ अभी चल रहा है, आप देखते रहना, भगवान ने सही सलामत रखा तो आप देखोगे, अगर वीडियो बनाएगा भी फ्यूचर में, बड़ा होगा आपको दिखा दूंगा, एक रुपया नहीं लूँगा भाई मैं, ठीक है ना, एक रुपया दहेज का नहीं लूँगा और आपको दिखाऊँगा वीडियो में, और इंटरव्यू भी कराऊंगा उस बच्ची के पेरेंट का, उस बच्ची का। मैं तो जो है बेटी बना के घर ले आऊँगा, जैसे मेरी एक बेटी है ना, ऐसी फ्यूचर में कोई आएगी तो उसको बेटी बना के घर लेके आएंगे हम। वो कहते हैं ना, दो रोटी और बेटी दे दो एक जोड़ी में, मैं तो कहता हूँ एक जोड़ी भी अपने घर से ही हम भेज देंगे कि भैया ये जोड़ी भी हमारा है, क्योंकि जो अपनी बेटी दे देता है ना वो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ अपनी जान, अपना जिगर का टुकड़ा दे देता है। बेटी को पालना डेली, उसके साथ इतने छोटे से इतना बड़ा करना, इतना लाड प्यार से पालना, उसके बाद बेटियां चली आती हैं। तो गाइज एक पिता ही जानता है कि, या माँ जानती है कि बेटी को हैंडओवर करना या एक प्रथा के हिसाब से दूसरे घर भेजना क्या होता है, तो उनका सम्मान करें यार। छोटी छोटी नोकझोंक सब में चलती रहती है, उसको बैठ के सुलटाएं। कई बार इतनी नोकझोंक बढ़ जाती है कि आपके बच्चे सफ़र करते हैं, आपके बच्चों का जो है सोशल और साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा कलेश ना करें घर में यार, मिलजुल के रहें। एक ने गलती कर दी तो यार दूसरा पार्टनर माफ़ी मांग ले, वो नहीं मांगता तो दो दिन के बाद उसको मना लें, लेकिन मामले को इतना ना बढ़ाएं कि वो बहुत लंबा हो जाए और कल को आपके बच्चों के ऊपर आए और आपके बीच
और आपकी फैमिली के बीच वो जो है बड़ी भारी दिक्कत पड़ जाए। तो गाइज वीडियो को आप एटलीस्ट अपने 5 सबसे क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली गर्ल्स के साथ शेयर करें अगर आप चाहते हैं वो वाकई सेफ रहें और वाकई आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज वॉचिंग एंड ट्रस्टिंग एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले वीडियो में कुछ और नई सेल्फ डिफेंस टेक्निक ट्रिक्स के साथ कोशिश करूँगा आने की। और आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। आज सुबह का ये दृश्य जब हमारे पैरियर फ्लोर ने जो है हमारे आसपास आते को जंगली सर को खदेड़ दिया क्योंकि वो चाहते हैं हमारे पास कोई भी जंगली जानवर ना आए हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बहन जी रास्ते पे मुझे एक दिन दिखी, फूल बेच रही थी, इनके साथ में एक छोटी बच्ची बैठी थी जिसको देख के मुझे रुका नहीं गया इसको आके प्यार करने के लिए। तो बच्चे अनमोल होते हैं गाइस, उनको प्यार करें, रिस्पेक्ट दें, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब एक हैं, बस सबको बराबर प्यार देते रहें।